और मंदिरों में प्रसाद को लेकर के लगातार आस्था पर चोट की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में भक्तों को ये लग रहा है कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं। देखिए, राजस्थान के मशहूर गणेश मंदिर से प्रशासन ने 2000 किलो फंगस वाले लड्डू जब्त किए हैं। अब इन लड्डुओं को जब्त आसपास की दुकानों से किया गया। बड़ी बात यह कि तिरुपति में प्रसाद विवाद के बाद में लगातार जो क्वालिटी चेक है वो किया जा रहा है और हर सख्ती बरती जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इधर गणपति के मंदिर में आरती हो रही है, उधर मंदिर परिसर के दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग का छापा चल रहा है। मंदिर परिसर के दुकानों से फंगस वाले लड्डू जब्त किए जा रहे हैं। खराब लड्डू और प्रसाद को इकट्ठा किया जा रहा है। तस्वीरें राजस्थान के रणथंभौर की है, जहां प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर के दुकानों से 2000 किलो से ज्यादा फंगस वाले लड्डू और प्रसाद को जब्त किया गया। खराब प्रसाद और लड्डू को जब्त करने के बाद मिट्टी में गाड़कर नष्ट किया गया। चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम को शिकायत मिली थी कि मंदिर परिसर में फंगस वाले खराब लड्डू बेचे जा रहे हैं। इसके बाद मंदिर परिसर की एक दर्जन से ज्यादा प्रसाद दुकानों पर छापेमारी की गई। हमें अनुमान था कि 2000 किलो के लगभग लड्डू अभी गोडाउन में है, तो अभी खुलवाया तो लगभग उतने ही, उससे भी ज्यादा निकले हैं, तो उनको उन पे सब पे फंगस लग गई, तो अब इसको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। दरअसल त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर बड़ा मेला लगता है। दुकानदारों ने गणेश चतुर्थी पर लगने वाले मेले के लिए बड़ी मात्रा में लड्डू और प्रसाद तैयार किया था, लेकिन भारी बारिश की वजह से मेले में बहुत कम श्रद्धालु पहुंचे। मेले के दौरान प्रसाद की बिक्री उम्मीद से बहुत कम हुई और दुकानों में रखा लड्डू खराब हो गया। कुछ दुकानदार इन खराब लड्डुओं को श्रद्धालुओं को बेच रहे थे।